गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? तो आज 5 अगस्त है और वेडनेसडे है। हम नया लेसन आज अपना स्टार्ट करने वाले हैं। किसका? इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीक से हमारे टेस्ट शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जिस तरह टेस्ट आपने लास्ट टाइम दिए थे, उसी तरह से टेस्ट इस बार आपको देने हैं। और एक बात और कि आप अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाइए, ठीक है, क्योंकि अगर आप अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो हमारे पास आपका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा कि आप क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे, स्कूल में इंटरेस्टेड है या नहीं, आप दूसरे स्कूल में हैं या नहीं, किसी स्कूल में हैं, ठीक है। इसलिए आप अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाएँ, ठीक है। जब भी आप क्लास लेते हैं आपको लिंक दिया जाता है अटेंडेंस लगाने का, तो उसमें आप ज़रूर उसको फिल करिए, ठीक है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा इसको, ठीक है। द वर्ड, देखिए नीचे कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी आपको। सबसे पहले क्या है? पेंसिल, स्कूटर, बॉल, गोट, ठीक है। ये पेंसिल है, इससे लिखा जाता है। ये स्कूटर है, इसको इस पर बैठ के जाया जाता है। ये बॉल है, बॉल से क्या करते हैं? खेलते हैं। गोट, गोट क्या करती है? गोट एक जानवर है, ठीक है। अब देखिए वर्ड होता क्या है। अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच आर रिटन इन सर्टेन ऑर्डर्स। क्या होता है वर्ड? वर्ड्स बनते हैं लेटर्स से। आप सभी को पता है हमारी अल्फाबेट ABCD में कितने लेटर्स हैं टोटल? देखिए ABCDEFGHIJKL MNOPQR STUVWXYZ, ठीक है। तो टोटल कितने लेटर्स हैं ये? 26। सभी को पता है टोटल कितने लेटर्स हैं ये? 26 लेटर। अब इन 26 लेटर्स को जोड़ जोड़ के कुछ वर्ड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग तो होगा ये लेटर्स, जब इनको जोड़ के कुछ बनाया जाए वर्ड, ठीक है, वो वर्ड कहलाता है। जैसे कि BAT, बैट। बैट क्या होता है? देखा आपने BAT, बैट, ठीक है। बैट क्या था? एक चीज है, वो किसी का नाम है, वो क्या है? एक वर्ड भी है, ठीक है। लेटर क्या था? बी, बी से बना बैट। बैट क्या है? एक वर्ड। और बी क्या था? लेटर। समझ रहे हैं यहाँ पर? बी लेटर है, बी से बना बैट, बैट हो गया एक वर्ड, ठीक है। अब सेंटेंस क्या होगा? आई हैव अ बैट, मेरे पास बैट है, ये बन गया एक सेंटेंस, ठीक है। तो लेटर से बनता है वर्ड, वर्डों से मिलके बनता है सेंटेंस। जब लेटर्स मिलते हैं एक साथ तो बनता है वर्ड, और जब बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं तो बनता है सेंटेंस। देखिए आप, पी फॉर पेंसिल, तो पी क्या हो गया? पी हो गया एक लेटर। ई भी एक लेटर है, एन भी एक लेटर है, सी, आई, एल, ये सब एक लेटर है। जब इनको इस तरह से लिखा गया तो ये बन गया पेंसिल, और हमें पता है पेंसिल क्या होती है? एक लिखने वाली चीज होती है, ठीक है। अ वर्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच हैज अ मीनिंग, ठीक है। वर्ड क्या होता है? जैसे हम कुछ भी बोलते हैं, आपके मुंह से जो भी कुछ निकलता है वो सब वर्ड्स निकलते हैं, ठीक है। और उन सबका कुछ ना कुछ मतलब होता है, होता है ना। आप जो भी कुछ बोले, कभी भी आप ध्यान से सुनेंगे, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं जो जो चीज़ बोले जा रहा हूँ सब वर्ड्स हैं, और उन सब का कुछ ना कुछ मीनिंग है। जैसे कि वर्ड, इज, ग्रुप, लेटर, विच, आर, रिटर्न, ये सब वर्ड्स हैं और इन सब का कुछ मीनिंग है, मतलब है इनका कुछ, ठीक है। और हम इनको अच्छे से बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं इनको, ठीक है। वी कैन स्पीक और राइट अ वर्ड। अब वर्ड क्या हो सकता है? किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, ठीक है। किसी जगह का नाम हो सकता है वर्ड, किसी चीज़ को बता रहे हैं वो भी वर्ड हो सकता है, जो भी आप उस पर, हिंदी में इसको कहते हैं शब्द, ठीक है। सबसे पहले वर्ण होता है क ख ग, उससे बनता है एक शब्द। जब वर्णों को एक साथ मिलाते हैं तो बना शब्द, जब शब्दों को मिलाते हैं तो बनता है एक वाक्य। उसी तरीके से इंग्लिश में सबसे छोटा होता है लेटर्स, लेटर्स से बनेगा वर्ड। ये सब वर्ड्स हैं, पेंसिल, स्कूटर, बॉल, गोट, ठीक है। और जब इन सबको मिलाया जाएगा, आई हैव अ पेंसिल, आई राइड ऑन स्कूटर, आई प्ले विद बॉल,
आई हैव वन गोट, ठीक है। तो ये सब क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया फिर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं वर्ड्स के। देखिए जवाहरलाल नेहरू, ये भी एक वर्ड है, एक शब्द है, क्योंकि इसका कुछ मतलब है, ये किसी का नाम है। आपको कोई बोले जवाहरलाल नेहरू तो आप समझ जाएंगे कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है वो, ठीक है। तो वो वर्ड हो गया दिल्ली। अगर कोई दिल्ली बोले तो समझ जाएंगे आप क्या बोल रहा है वो, ठीक है। बैग भी आप समझ जाएंगे, रन, रिस्पेक्ट, ठीक है। ये सब समझने वाली चीज़ें होती हैं जिनका कुछ मतलब होता है। ऐसे लेटर्स तो कुछ ही बन सकता है, ऐसे डी आई एल एच ई, क्या बनाए, दिल्ली कुछ। अब मैं आपको बोलूँ दिल्ली, आप कुछ समझ पाएंगे उससे? कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये वर्ड नहीं है क्योंकि इसका कुछ मतलब ही नहीं है, इसलिए वर्ड ही नहीं है, ठीक है। इसका कुछ मतलब नहीं है इसलिए वर्ड ही नहीं है। जिसका वर्ड का वही होते हैं जिसका कुछ मतलब होता है। क्लियर? चलिए अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं इस लेसन की। रिकॉग्नाइज द थिंग्स गिवन इन द पिक्चर एंड फिल इन द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट देयर नेम्स। देखिए अब यहाँ पे आपको पिक्चर दे रखी है, ठीक है, और नीचे उसकी स्पेलिंग आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले पिक्चर किसकी है बताइए मुझे, क्या है ये? ये है बनाना। तो क्या स्पेलिंग होगी? बी ए एन ए एन ए। सेकंड क्या है? एप्पल, ए डबल पी एल ई, ठीक है। ये हो गए फ्लावर्स, लिली, लोटस, रोज, ट्यूलिप, गोट, डियर, मंकी, लायन, बुक, ब्रश, इरेजर, पेन, क्रो, ईगल, पीकॉक, आउल, ठीक है। कर लेंगे कंप्लीट स्पेलिंग इन सब की आप लोग। चलिए अगले पे आते हैं हम, द सेंटेंस पे। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनता है। इंग्लिश के अल्फाबेट लेटर से बना वर्ड, ठीक है। जब लेटर्स मिले ए बी सी डी एफ, ये सब मिले जब आपस में, तो एक वर्ड बना, ठीक है। और जब बहुत सारे मीनिंगफुल वर्ड्स मिले तो एक सेंटेंस बना, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ बैट, ये एक वर्ड हो गया। आई, ये वर्ड हो गया। प्ले, ये भी एक वर्ड हो गया। विद, ये भी एक वर्ड हो गया। अब मैं बोलूँ, ध्यान से सुनना, आई प्ले विद बैट। अब देखिए मैंने बहुत सारे वर्ड्स को एक लाइन में लिखा और इस पूरी लाइन का एक मतलब आ रहा है, क्या? कि मैं बैट के साथ खेलता हूँ, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? एक सेंटेंस कहलाएगा। क्लियर है? ये सब एक सेंटेंस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब बहुत सारे वर्ड्स मिले हुए हैं, हर वर्ड का कुछ मीनिंग है, और जब मैं पूरा सेंटेंस पढ़ रहा हूँ तो पूरे वर्ड में सेंटेंस का भी एक कुछ मीनिंग मतलब निकल कर आ रहा है। क्लियर? आया समझ में? आगे बढ़े अब हम, देखते हैं इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस एंड हैज अ मीनिंग। सेंटेंस क्या होता है मैंने बताया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जब बहुत सारे वर्ड्स मिल जाते हैं और उनका कुछ मीनिंग होता है, पूरा कुछ मीनिंग देता है। जब पूरा सेंटेंस आप पढ़े तो पूरे सेंटेंस में कोई बात आपको समझ में आए कि कहना क्या चाहता है वो, ठीक है। और एक बात कि जो सेंटेंस होते हैं ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल आएगा। जैसे देखिए ये एक सेंटेंस है पूरा, इसमें देखिए फर्स्ट लेटर टी कैपिटल है ना, और लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप आएगा या क्वेश्चन मार्क आएगा या एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, कंडीशन को देखते हुए कि वो किस तरह का सेंटेंस है। कितने तरह के सेंटेंस होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए देख लेते हैं। मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड, यूज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं आपको, माई फ्रेंड, इंडिया, दीज, वी, दे, ठीक है। आपको क्या करना है, इनका यूज करके एक सेंटेंस बनाना है। ये तो वर्ड्स हैं, है ना, ये वर्ड्स हैं ना, क्योंकि अकेले लिखे हुए हैं और इनका अपना भी कुछ मतलब है,
माई फ्रेंड से क्या बनेगा? आई प्ले विद माई फ्रेंड, क्लियर? आई प्ले विद माई फ्रेंड. सेकेंड, इंडिया. आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ. देखिए पूरी बात का मतलब आ रहा है कुछ. दीज, दीज का मतलब होता है ये, ठीक है. दीज आर माई बुक्स, यह मेरी किताबें हैं, ठीक है. दीज आर माई बुक्स. वी मतलब हम सब, ओके. वी आर गोइंग टू पिकनिक, हम सब पिकनिक जा रहे हैं. दे का मतलब होता है वे सब, ठीक है. दे आर माई फ्रेंड, वे मेरे दोस्त हैं. क्लियर कर लेंगे आप सब पूरा, मैंने सबका बता दिया आप सभी को. चलिए अगली एक्सरसाइज पे आते हैं. अब हम रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एंड राइट वेदर दे मेक कंप्लीट सेंस और नॉट. ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं हमको, 1 से लेके 10 तक 8 तक, ठीक है. आपको क्या करना है, हमें इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और ये पता लगाना है कि क्या इन सेंटेंस से पूरी बात समझ में आ रही है. अगर किसी सेंटेंस में हमें पूरी बात समझ में आ रही है तो हम उस पर लिखेंगे कंप्लीट सेंटेंस. अगर किसी कोई बात सेंटेंस पढ़ने के बाद हमको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो हम लिखेंगे इनकम्प्लीट सेंटेंस, ठीक है. चलिए देखते हैं. इट इज ईजी टू फाइंड फॉल्ट. देखिए एक सेंटेंस है, इसका क्या मतलब है कि कमियां ढूंढना आसान है. तो बात पूरी है, समझ में आ रही है, तो ये क्या सेंटेंस है, कंप्लीट, ठीक है. यहाँ पे कंप्लीट लिख देंगे आप, ठीक है, ये स्पेलिंग ठीक कर लेना. वी एट सम राइस, मतलब हमने कुछ चावल खाए. बात समझ में आ रही है कि उसने कुछ चावल खाए, ये भी क्या है, कंप्लीट है ये, ठीक है. आपको पूरा लिखना है, कंप्लीट की स्पेलिंग देखो यहाँ से मिल जाएगी आपको, ये भी सी ओ एम पी एल ई टी ई. थर्ड, इन द पार्क, मतलब पार्क में. पार्क में क्या, पूरी बात समझ में नहीं आई यहाँ पे. पार्क में क्या, कुछ नहीं, पता नहीं समझ, पता नहीं क्या कहना चाहता है. तो ये कैसा सेंटेंस है, इनकम्प्लीट. यहाँ क्या लिखेंगे आप, इनकम्प्लीट. आई एन सी ओ एम पी एल ई टी ई, ठीक है, इनकम्प्लीट. डू इट, इसे करो. बात क्लियर है या नहीं है, इसे करना है आपको. पूरी बात है, समझ में आ रही है, तो ये कैसा है, कंप्लीट. कम हियर, इधर आओ. बात समझ में आ रही है, क्या कहना चाहता है वो, इधर बुलाना चाहता है, तो ये भी कंप्लीट हो गया. विल यू हैव कॉफी, विल यू हैव कॉफी, क्या आप कॉफी लेंगे. बात पूरी है, समझ में आ रही है कि वो कहना चाहता है कि क्या आप कॉफी लेंगे, तो क्या आएगा इसमें, कंप्लीट. अंडर द फ्रिज, अंडर द फ्रिज मतलब फ्रिज के नीचे. अब फ्रिज के नीचे क्या है, क्या कहना चाहता है वो, समझ में नहीं आता पूरी बात, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनकम्प्लीट. माई फेवरेट फ्लावर इज रोज, मेरा पसंदीदा फूल रोज है. यहाँ बात समझ में आ रही है, पूरी बात कह रहा है वो क्या, कि उसका फेवरेट फ्लावर कौन सा है, रोज. तो ये भी कंप्लीट हो गया. तो क्लियर हुआ स्टूडेंट, यहाँ तक आप सभी को सेंटेंस जो पूरे हैं वो कंप्लीट हो गए, और जो पूरे सेंटेंस नहीं है, मतलब पूरा मतलब नहीं है पता लग रहा उसमें, वो क्या सेंटेंस हो गए, वो हो गए इनकम्प्लीट सेंटेंस. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंस. अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, ये सेंटेंस नहीं कहलाएंगे. क्यों, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं निकल रहा, ठीक है. अब इनको सेंटेंस बनाना है हमें, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, हम इनको अरेंज करेंगे ताकि एक कंप्लीट सेंटेंस बन सके और इनसे पूरा मतलब निकल सके. अगर अभी आप इसको पढ़ेंगे, गुड वेरी मैथमेटिक्स इज मोहित इन, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा मतलब इसका, जब तक हम इसको अरेंज नहीं करेंगे. देखिए इसको अरेंज कैसे बनेगा, इसका सबसे पहले आएगा मोहित इज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, तो ये हमको यहाँ लिखना है,
सबसे पहले क्या आएगा वो लेटर, वो सबसे पहले वर्ड कौन सा आएगा? मोहित, फिर इज, वेरी गुड इन मैथमेटिक्स को यहाँ लिखना है, ठीक है। अब सेंटेंस कंप्लीट बन गया है ये, और इसका मतलब भी अब हमें समझ में आ रहा है। डैश इज सिटिंग सिटिंग मॉन्की ऑन द ट्री, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो क्या आएगा? आ मॉन्की इज सिटिंग ऑन द ट्री, क्लियर। आ मॉन्की इज सिटिंग ऑन द ट्री, जो बंदर है, एक बंदर पेड़ पर बैठा है, ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे ये। थर्ड, हाइडिंग गर्ल द ट्री अब बिहाइंड इज, पता नहीं मतलब क्या है, इसको ठीक करते हैं। चलिए तो कैसे ठीक होगा ये? सबसे पहले, और सबसे पहला लेटर कैपिटल आता है, आपको याद है, अभी मैंने आपको बताया, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा जब भी सेंटेंस खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आएगा आ गर्ल इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, क्लियर। आ गर्ल इज, आ गर्ल इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, यहाँ पे लिखेंगे, तो उसमें ए जो है वो कैपिटल आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाउडली अमित लाफ एट द क्लाउन, नहीं आया मतलब समझ में, चलिए इसको अरेंज कर लेते हैं। अमित लाफ लाउडली एट द क्लाउन, अमित क्लाउन कौन होता है? जोकर, क्लाउन अमित जो है जोकर के ऊपर जोर से हंसा, तो क्या सही फॉर्म क्या है इसकी? अमित लाफ लाउडली एट द क्लाउन, तो अमित का ये कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा, क्लियर। वॉज द सन शाइनिंग ब्राइटली, मतलब नहीं पता, चलिए इसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, सूरज जोर से चमक रहा है, चमक रहा था, सूरज जोर से चमक रहा था, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको? द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली और लास्ट में फुल स्टॉप, और द का टी कैपिटल हो जाएगा। तो क्लियर है आपको ये दो लेसन, लेसन वन और लेसन टू। लेसन वन हमने पढ़ा वर्ड्स क्या होते हैं, और लेसन टू में हमने पढ़ा कि सेंटेंस क्या होते हैं। जब इंग्लिश के अल्फाबेट्स के लेटर्स ये मिलते हैं, ये तो लेटर्स हैं, अलग अलग लिखी जाए, जब इनको जोड़ के कुछ लिखा जाए तो बनेगा वर्ड, और जब वर्डों को जोड़ के लिखा जाए तो बनता है क्या? बनता है सेंटेंस, क्लियर है, समझ में आया आप सभी को? तो आप जल्दी से इसको फिल कर लीजिए दोनों एक्सरसाइजेस को, और अपनी फोटो लेसन की काम कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड कीजिए, ठीक है। और सभी बच्चे क्लास अटेंड जरूर करें, ठीक है। आ रही है बात समझ में आपको? अगर आप अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आप क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे, या आप किसी और स्कूल में आपने एडमिशन कराया है या नहीं कराया, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। आप अटेंडेंस लेंगे, क्लास लेंगे, तभी हमको पता लगेगा कि आप अभी भी जुड़े हुए हैं हमसे, ठीक है। तो क्लास जरूर लें, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाकर बाहर जाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, थैंक यू।